नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अविरल और आप देख रहे हैं घूमो जी भर के। दोस्तों, आपके लिए फिर से दोबारा एक बार फिर आपके बीच स्नोफॉल की खबर लेकर दोबारा से आए हैं। जी हां दोस्तों, सभी टूरिस्टों के लिए खुशखबरी है कि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम ने करवट बदल ली है। पूरी जानकारी देने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं ट्रैवल से रिलेटेड एकदम लेटेस्ट खबर, वो भी आपके सामने हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए। तो देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम ने करवट बदल ली है। सुबह की शुरुआत आसमान में छाए काले घने बादलों के साथ हुई। लगभग एक माह बाद मौसम बदल गया है। लाहौल और मनाली की पहाड़ियों में हिमपात शुरू हो गया है। बादल छाने व बर्फबारी शुरू होने से ठंड बढ़ गई है। लाहौल घाटी में पर्यटकों को दारचा तक ही जाने की अनुमति दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 5 दिन प्रदेश के 5 जिलों लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू व शिमला में आंधी के साथ भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा बिजली, पानी और यातायात बाधित होने की आशंका भी जताई जा रही है। दोस्तों, जो लोग बर्फ प्रेमी हैं और उन्होंने अभी तक भी बर्फ नहीं देखी है, तो देर ना करें। इस बार हो सकता है कि क्रिसमस पर भी पूरी व्हाइट स्नो आपको दिखाई दे और न्यू ईयर के टाइम पर भी। उसके लिए आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है कि यातायात बंद हो जाएंगे या आपको किसी तरह की दिक्कत आएगी। प्रशासन द्वारा कड़ी मुस्तैदी से लोग लगा दिए गए हैं, कर्मचारी लगा दिए गए हैं। कहीं पर भी सड़कों पर किसी भी तरह का यातायात बाधित नहीं होगा। इसके अलावा ऊना और हमीरपुर को छोड़कर सभी जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। दोस्तों, दिसंबर को मौसम करवट बदलने लगा है और 5 दिसंबर तक इसका प्रभाव जारी रहने का अनुमान है। प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों के साथ मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी बर्फबारी की संभावना है। वहीं मंगलवार को धूप खिलने के कारण अधिकतम तापमान में करीब 1 डिग्री तक की वृद्धि भी नोट की गई है, जबकि न्यूनतम तापमान काफी गिर गया है। तो ये थी दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बर्फबारी की खबर कि हिमाचल प्रदेश में लगातार ऊंचे इलाकों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। अगर आप भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ आना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके यहां के बारे में पूरी जानकारी और होटल इत्यादि भी बुक करा सकते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी अगली बड़ी खबर के साथ।